और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली के आयानगर इलाके में 464, द्वारका सेक्टर 8 में AQI लेवल 486 है। बात करें दिल्ली से सटे नोएडा की, तो यहां पर सेक्टर 62 में AQI लेवल 483 तक पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में हालात को देखते हुए ग्रैब 3 लागू किया हुआ है और उसके साथ ही कंस्ट्रक्शन और खनन पर भी रोक लगा दी गई है। दूसरी वर्ल्ड कप 2023 में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा मैच। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। भारत टेबल टॉपर है तो वहीं साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर मौजूद है। आपको बता दें टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड कप 2015 के एक मुकाबले में बुरी तरह हराया था। अब एक बार फिर से दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। तीसरी ब्रेकिंग, एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में पीएम आज सिवनी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगे और सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा के वोटर्स को साधेंगे। उनके कार्यक्रम में इन तीनों जिलों के 13 प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे खंडवा जिले के 6 गांव माखन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में होंगी। अपने इस दौरे के दौरान प्रियंका कुक्षी और इंदौर में रहेंगी। कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका 12 बजे के बाद कुक्षी पहुंचेंगी, जहां उनकी विशाल रैली आयोजित की गई है। इस दौरान प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगी और इसके बाद प्रियंका इंदौर जाएंगी, जहां दोपहर बाद वो जनसभा करेंगी और साथ ही पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगी। पांचवी ब्रेकिंग, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी आज 3 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले वो बस्तर जाएंगे, इसके बाद भाटापारा और फिर राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभाएं और रोड शो करेंगे। आपको बता दें इससे पहले सीएम योगी ने शनिवार को कई जनसभाओं को संबोधित किया और रोड शोज भी किए। छठी ब्रेकिंग, आपको बता दें एमपी में आज बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एमपी के कई जिलों में जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज भोपाल और देवास के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उनका आज इंदौर और उज्जैन का दौरा प्रस्तावित है।